brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव में आज हम मौजूद हैं। निमाड़ के सबसे बड़े नेता, प्रदेश के कद्दावर नेता स्वर्गीय सुभाष यादव जी के सुपुत्र अरुण यादव जी, जो पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनसे जानते हैं कि मतदान को लेकर किस तरह की लोगों में उत्साह है, क्या स्थिति रहेगी। पहले तो उमेश भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये देश के, प्रदेश के, निमाड़ के तमाम मतदाता भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि ये मत का अधिकार हमको जो मिला है, जो देश का लोकतंत्र का, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव है, इसमें अधिक से अधिक तादाद में पहुंचकर अपने मत का अधिकार का उपयोग करें। संविधान की कॉपी लेकर आप आज पहुंचे हैं। ये संविधान एक ऐसा संविधान जो बाबा साहेब ने हमको बना के दिया, जिसमें हर वर्ग, हर समाज जाति का विशेष ख्याल रखकर बाबा साहेब ने ये संविधान बनाया, आरक्षण उपलब्ध कराया, जिसमें दलित आदिवासी भाइयों को प्रथम पंक्ति में लाने का उन्होंने प्रयास किया। उस संविधान को बदलने की भरपूर प्रयास देश की सरकार द्वारा किया जा रहा है, और ये एक जो सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी कि हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, वो कभी पूर्ण नहीं होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम संविधान की रक्षा के लिए, देश के हर वर्ग के लिए, दलित आदिवासी पिछड़ा किसान के हक के लिए, महिलाओं की लड़ाई के लिए, नौजवान बेरोजगारों के लिए, अभी सरकार को बदल देंगे। प्रदेश की दो महत्वपूर्ण सीटें हैं जो काफ़ी चर्चित हैं, गुना और छिंदवाड़ा, क्या रहेगा? दोनों बहुत मजबूत हैं। गुना हम जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, और वहाँ नकुलनाथ जीतेंगे। गुना से आप भी लड़ने वाले थे? मुझे मैंने कहा था कि अगर कोई नहीं लड़ना चाहे तो मैं जाने को तैयार हूँ चुनाव में, पार्टी का निर्णय है। यादवेंद्र सिंह हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं और हम जीतेंगे। हिंदू मुस्लिम हर बार चुनाव में कहीं ना कहीं विधानसभा में, लोकसभा में आ जाता है, और फिर ये उमेश भाई इससे स्पष्ट नहीं हो रहा, ये आपने चर्चा शुरू की है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि देश को बांटना चाहते हैं, देश को खंड खंड करना चाहते हैं। वो संविधान जिसमें हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई एक साथ लेकर इस देश को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, प्रगति उन्नतिशील उन्नति कर रहे हैं देश, उसको बांटना चाहते हैं। जब चुनाव आता है, यहीं से शुरू होता है, इस बार भी ये शुरू किया, पहले 400 से अब भैंस और मंगलसूत्र और हिंदू मुसलमान और वेज नॉन वेज तक पहुंच गया चुनाव। ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार देखे मैंने जो इतनी गलत भाषा का उपयोग अपने भाषणों में करते हैं। ओवैसी के भाई कहते हैं कि 15 मिनट हमें पुलिस हटा दी जाए देश से, तब देख ले। फिर नवनीत राणा कहती है कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दी जाए। ये सब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो 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 लोकतंत्र है, जो हमारा संगठन है, जो एकता है देश, उसको नष्ट करने की बात हो रही है देश में, जो हम नहीं होने देंगे। आरक्षण खत्म होने की बात कही जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, भी सभा भी हुई थी खरगोन में। क्या भाई, संविधान बदलने की बात तो उन्होंने शुरू की, संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, जो प्रथम पंक्ति में दलित आदिवासी गरीबों को लाने की बात बाबा साहब ने की, उसको बदलने का प्रयास हो रहा है। खरगोन खंडवा दोनों सीटें उमेश भाई कांग्रेस की झोली में जाएगी। प्रदेश में आप जगह जगह घूमे हैं, क्या लग रहा है, क्या स्थिति बनेगी? बदलाव की बयार है प्रदेश में, देश में बदलाव की बयार है, हम गठबंधन की सरकार देश में बनाएंगे। 4 जून को मतदान मतगणना होना है और परिणाम क्या रहेंगे ये पता चलेगा। अरुण भाई ने अपनी बेबाकी तरीके से बात रखी। उमेश रेवलिया, MP तक खरगोन।